अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपके सामने एक और व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग बड़ा ही मैं अभी तक व्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी, लेकिन अचानक से एक बात ही कुछ ऐसी हुई। जी, तो मैं यहाँ कर रही थी अपने रोज़मर्रा के काम, जो कि आपको पता है एक हाउसवाइफ के होते हैं। बच्चों को स्कूल से लेके आ गई, उनको नहला धुला के खाना शाना दे दिया था और वह अब अपना टीवी देख रहे थे। तो ये कपड़े ना कल मैंने वॉश किए थे, ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों इनको भी फोल्ड करके रख लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, अम्मी के घर की कुछ बेडशीट्स आई हुई थी, वो मैंने वॉश करके मैंने कहा फ़िलहाल इनको अपनी अलमारी में रख लेती हूँ, जब अम्मी की तरफ जाऊँगी तो फिर उधर रख दूँगी। तो बस ये काम शाम ख़त्म जैसे कि मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने कहा भाई जाके खाना खाती हूँ। और मैंने आज वाइट राइस और काले चने बनाए हुए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो बस मैंने खाना शाना खाया और आज थर्सडे था, तो थर्सडे को मैं घर में चरागा करती हूँ। तो मैंने बस अपना चराग किए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाके, उसके बाद आपको पता है खाना खाएं और फिर आपको होता है कि भाई कुछ चाय शाय तो होनी चाहिए। तो बस चाय को दिल कर रहा था, मैं किचन में आ गई थी, अपने लिए चाय बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ कुछ स्नैक वगैरह। और मैंने सोचा कि चलो वो भी मेरे साथ फिर कुछ खा लेना। और बस मैंने अपने लिए चाय ऊपर रख दी थी और एक साइड पे मैंने कहा बच्चों के लिए फ़्राइज़ कर लेती हूँ फ्राई। तो मैं बच्चों को ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रही थी स्नैक में, क्योंकि क्या होता है कि अगर उनको इस वक्त पे नगेट्स वगैरह और ये चीज़ें सब कुछ एक साथ दे दो ना, फिर वो लोग रात का खाना अच्छे से नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि बस इनको खाली ना फ्राइज़ फ्राई कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा खा लें, उसके बाद इनको मैं फिर खाना दे दूँगी। तो बस आज मैं ना नॉर्मली तो मैं फ्रोज़न फ्राइज़ अवॉइड ही करती हूँ कि इनको यूज़ करूँ, लेकिन ला के ज़रूर रखती हूँ कि कभी कभी मेरा और हस्बैंड का दिल करता है तो कुछ बर्गर वगैरह घर में बनाती हूँ तो उसके साथ फ्राई करती हूँ। लेकिन बच्चों को मैं घर ही फ्रेश पटैटो लेके उसी के फ्राइज़ बना के देती हूँ। तो बस फ्राइज़ यहाँ रेडी हो गए और फिर मैंने अपनी पी चाय। चाय पीने के बाद मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि उसको एक शादी में जाना है, तो उसको कुछ चाहिए फैंसी कपड़े। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग ना जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादा ना ये फैंसी कपड़े यूज़ नहीं होते, तो हम लोग पाकिस्तान में रखते हैं क्योंकि वहीं शादियाँ अटेंड करनी होती है, तो वहीं से निकाले और यूज़ कर लेते। तो एक दो कुछ कपड़े मैं ले रखती हूँ ताकि फिर भी शायद शायद कोई इन्विटेशन आ जाए और पहनना पड़े। तो मैं उसको पिक्चर भेज रही थी कि बताओ इन ये एक दो फैंसी मेरे पास पड़े हैं जो शादी वाले हैं, तो जो शादी में पहन सकते हैं तो इनमें से देख लो, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। बस कुछ कपड़े ये थे, कुछ मैंने ऐसे अलमारियों में फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, तो अब इनको मैं निकालना नहीं चाह रही थी कि मैं ये करूँ। बस इसी दौरान मुझे कॉल आई है, तो बस फिर ऐसा कुछ हुआ हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड की कॉल आती है दुबई वाले उनके नंबर से, तो मैंने जल्दी से उठाई कि हैं वो तो 20 को आने वाले थे, तो आगे से वो कहते हैं जी मैं तो आ गया एयरपोर्ट पे हूँ, तो तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया वरना सरप्राइज़ देता। मुझे कोई काम था, मुझे आना था, और ये कि मैंने कहा चलो सरप्राइज़ दूंगा। अब सरप्राइज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करता क्योंकि दरवाज़ा किसने आगे खोलना था, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वो आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि वो आ रहे हैं और मेरी कोई तैयारी नहीं है, खाना मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं क्या वही सोचूं उनके लिए क्या, ऐसे कभी कभी ऐसे सरप्राइज़ ना भारी भी पड़ जाते हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने खाने में जो घर में बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खाने में ये देखिए मैंने बनाए हुए थे आज काले चने और वाइट राइस और बस, और ये बच्चों ने फिर फरमाइश की क्या, तो ये मैंने पास्ता बना के उनके लिए रखा हुआ था। काले चने वो सुबह आप खाए जाएंगे, मैंने भी खाना खाया था, अचानक से कॉल आई तो बस फफड़ा तफड़ी पड़ गई मुझे, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दूंगी उन्हें, देखते हैं आने दें क्या खाते हैं वो। आ जाओ, नहीं आते तुम वीडियो में, मैं भी किचन में आ गई थी तो अचानक से। अस्सलामुअलैकुम, आ जाओ। उनको नहीं पता बच्चों को कोई आइडिया नहीं कि उनके बाबा आए हैं। मैं इनका रिएक्शन होमवर्क कर लिया। फातिमा तुमने खाना नहीं खाया अभी तक अपना, थके क्या कर रहे हो बेटा? चलो ठीक है, देखो फातिमा की चेयर भी लेके आते, फातिमा की चेयर टूट गई है। बाबा
बाबा को मिस तो नहीं कर रहे ज्यादा? हाँ तो कि आप लोगों ने सोचा था कि बाबा इतनी जल्दी आ जाएंगे? आपको क्या लग रहा था? अक्टूबर 20 को आएंगे। देखिए जरा कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज। फिलहाल मैंने इनको पानी दे दिया था और पास्ता दे दिया क्योंकि पास्ता इनको पसंद भी है, तो मैंने कहा खाना बाद में देती हूँ। ये ना समझे कि मैं कोई मिठाई की दुकान खोलने लगी हूँ, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई पाकिस्तान से आता है तो ये मिठाइयाँ दी जाती हैं सबको। दी बॉम्बे बेकरी, ये बहुत पुरानी, बड़ी पुरानी है और बड़ी फेमस है। इनके केक इतने मज़े के होते हैं, तो ये इतनी कलरफुल होती है कि इतनी दिखने में प्यारी। काश मैं आपको सारे बॉक्सेस खोल के दिखा सकती, पर नहीं, अच्छा नहीं लगता अगर बॉक्स खोल दो। फिलहाल एक बॉक्स आपको खोल के दिखाती हूँ, और एक पैकेट तो खोल लिया हमने, बाकी देने हैं। केक जब खोलूँगी वो बाद में दिखाऊँगी। तो ले लो तकी। फातिमा का कौन सा फेवरेट है? मेरा गुलाम जीनी। क्यों, क्या तकी? गुलाब जामुन। और फातिमा का पिंक, तो ले लो अपना पिंक। मैं वादा करती हूँ। और मेरा ये तो जी ये मिठाई है जो अभी जी जिसको देनी है। अच्छा कुछ लोगों को तो रस्ते में से भी देते आए ये। तो ये जो बची है ये अभी जाएंगे सांस लेके, पहले मिठाइयाँ तकसीम करके आएंगे। तो ये भी हमारे कल्चर में शामिल है जी। हस्बैंड को ये होता है कि बस जैसे आइए फ्रेश फ्रेश चीज़ दे दें सबको, तो वो बस मिठाइयाँ देने के लिए, तकसीम करने के लिए चले गए थे अपने फ्रेंड्स और जो कज़न इधर रहते हैं उनकी तरफ। तो तब तक मैंने कहा कि बच्चों ने स्लीपिंग सूट भी मैंने पहना दिया था, अब उनको मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि खाने में मुझे था कि हस्बैंड को कुछ अच्छा सा बाइट से खिलाती हूँ, क्योंकि घर में तो वाइट राइस और काले चने बनाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आए अभी तो स्पेशल फील करवाऊँ। तो बस यहाँ मैंने फातिमा को चेंज करवा के रेडी कर दिया तकी को, और मैं भी बस यहाँ पे तैयार हल्का फुल्का हो रही थी। मैंने कहा वैसे तो चेंज नहीं करूँगी, अब आई पहन लूँगी, तो बस मैंने हल्का फुल्का बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं, बस मैंने थोड़ा अपना लिपस्टिक वगैरह लगाई, और ज़्यादा मेकअप नहीं था, थोड़ी लिपस्टिक, थोड़ा ब्लश ऑन था, थोड़ा मस्कारा था। देखे ज़रा बस ये कुछ 10 के मेकअप मैंने बस वो लगाए, और ये मैंने अब आया अपना निकाल लिया कि यही पहन लेती हूँ बस। अब आया पहन के और उसके बाद मैं तकरीबन रेडी थी, और बस मैं हो गई रेडी, और अब लेके चलते हैं हस्बैंड को खाने पे। आ जाए आप भी साथ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ रेडी, बच्चे हैं रेडी, और मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड को खाने पे। घर में बना होता लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी आए हैं पाकिस्तान से, थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहिए, ज़रा समझा करें, थोड़ा अच्छा लगता है ना कि किसी के लिए कुछ करो, एफर्ट डालो, तो उसको अच्छा फील होता है। तो बस ज़रा हस्बैंड को लेके जा रही हूँ खाने पे, तो देखते हैं उनका क्या मूड है, उनको क्या खिलाना चाहिए। तो आज इतने दिनों बाद इस गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं खाने पे इनको लेके। बताएं आपने क्या खाना है आज, जो आप कहेंगे वही खिलाया जाएगा। इतने दिनों बाद आए हैं तो इतनी इज्जत अफजाई तो बनती है ना, तो जो आज ये बोलेंगे, जो इनका दिल है, दिल खोल के बोले आज खाना मेरी तरफ से, ठीक है। हस्बैंड ने तो अभी डिसाइड नहीं किया कि वो क्या खाएंगे, लेकिन तकी को मैकडोनल्ड खाना है, पर वो ये श्योर हूँ कि इन्होंने मैकडोनल्ड नहीं खाना। तो फिर पहले हम बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, हम दोनों फिर बाद में कुछ खा लेंगे। हाँ जी, तो फाइनली बच्चों का खाना तो आ गया है। क्या लाए हो तकी, क्या क्या इसमें? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आप लोग तो खाओ, मैं और बाबा वहाँ जाके देखते हैं क्या खाते हैं। बच्चों से छीन के खाने का मजा ही और है। मुझे इनके फ्राइज ज्यादा पसंद है। थैंक यू तकी। रुक जाओ, तो ये जी हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और ये पूरी शारजा में एक फूड स्ट्रीट है जहाँ हर किस्म के अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियंस, फिर हर किस्म का, यानी कि आप खाना आपको मिलता है, अच्छे अच्छे कैफेज हैं।
ये है शारजा में हम इस वक्त, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलें मैं आपको लेके चलती हूँ वो जगह जहाँ पे हमने खाना है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जहाँ बैठते हैं हमें पहली बार टेबल खाली नज़र आ रहा है, ये देखें, वरना यहाँ पे जगह नहीं मिलती। ये है जी कैफेटेरिया और हमें टेबल भी मिल। आप लोग तो फुल हो, आप लोगों ने तो कुछ नहीं ना खाना? फातिमा ने खाना है, तकी तो फुल है। चले हमारा ऑर्डर लेने के लिए भी आगे। हाँ जी देखिए क्या खाना है आपने, आप तो आपने खाना है कुछ तक, आप तो खा लिए ना। खाना हमारा आ चुका है और बस मैं वो देसी हूँ तो बस हाथ से शुरू हो गई। तो ये है जी यहाँ का बड़ा ही मज़ेदार एक सिग्नेचर इंडियन रेस्टोरेंट पे ना, एक चिकन चारकोल मिलता है जो बहुत टेस्टी होता है। उसके साथ ये ज़रा लज़्ज़ुमात होते, लज़्ज़ुमात जो भी होता है, ये जी हुमस है, ये बाबा गनूश है और ये मतबल साथ होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सभी प्लेट में लिया और मैं बस बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और खाती हूँ। और इतना मज़े का था और इतना मज़ा आ रहा था खाने का, और जो थोड़ा सा मौसम भी काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है तो अच्छा, हमें ये बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी अच्छा, तो मैंने कहा चलो ये खिलाती हूँ इनको। हाँ जी, तो खाना कैसा लगा आपको? अच्छा था? गुड था? सिर्फ गर्दन हिला रहे हैं, खाना मैंने खिला दिया है वो अलग बात है कि आज फिर बिल इन्होंने दी है, मुझे नहीं देने दिया। थैंक यू मेरे पैसों की बचत करने के लिए और मेरे पैसे बचाने के लिए शुक्रिया। तो चाय पीनी है अभी आपने? चले अब चाय पी लेते हैं, थोड़ी दिल तो नहीं कर रहा लेकिन पी लेते हैं। लो देखो चाय कहाँ से ली? चाय भी आ गई है, अब हम पीते। हाँ जी खाना हमने खा लिया और अब चलते हैं घर की तरफ। मज़े का तो बहुत ही यम्मी था, हमारा फेवरेट था और हस्बैंड ने भी खुश होके खाया। तो चलें अब दें अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।